बात बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए ये बड़ी खबर फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। बस स्टैंड के पास युवक पर हमला हुआ है। बस स्टैंड के पास युवक पर हमला, बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। हमले में बुरी तरह से घायल हुआ युवक। अपने काम से अग्रोहा जा रहा था युवक। तस्वीरों को ब्लर करना पड़ा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। सिविल अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया है युवक को। साहिल जुड़ गए हमारे संवाददाता इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों पर ज्यादा जानकारी के साथ। ये हो क्या रहा है साहिल? लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कानून को ये अपराधी जीप चिढ़ा रहे हों। जी, फतेहाबाद की घटना है ये, जो आज दोपहर की 4:30 बजे करीब जो घटना है वो बताई जा रही है। बस स्टैंड के पास की पूरी जो घटना है, एक जो युवक है जो शास्त्री नगर का है और ये हलवाई का काम करता है, और ये जो अग्रोहा काम पर जा रहा था, और इसी दौरान जो है एक युवक जो है तेजदार हथियार लेकर आता है और इस पर जो है हाथ पर इसके जो हमला कर देता है, और उसके बाद ये जो युवक है वो भागता हुआ जो शहर की ठाकर बस्ती में वहां पहुंचता है, और वहां इस तरह से उस पर जो हमला हो जाता है, और वहां ये जो है अचेत हो जाता है, और वहां जो लोग हैं वो तमाशबीन बने रहते हैं। जिस तरह से आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक है वो काफी देर तक जो है तड़प रहा है और जमीन पर लेटा हुआ है, और लोग जो तमाशबीन बने हुए हैं, जो फिर आसपास के लोगों द्वारा ही बाद में एम्बुलेंस के माध्यम से इसको जो है नागरिक अस्पताल में लुटाया गया। और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, आखिर क्या पूरा मामला था, किस लिए इस युवक पर हमला हुआ और क्या पूरी की पूरी वजह रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद।